Now, on the basis of this algebraic identity, we are going to solve some typical problems. So just open up your books, look at question number 7. In this question number 7, you have to evaluate two values. First value, what is the first one? 99 whole cube. Now you can easily find out the value of 99 whole cube without taking use of any calculator, any sort of thing, any machine. So 99 whole cube. पहले तो इसको हम थोड़ा सा expand कर देते हैं. ये किसको represent कर रहा है? 100 minus 1 cube. We can write 99 whole cube in this manner also. 100 minus 1 उसका cube. अब ये हमारी इस second identity को represent कर रहा है. Which is x minus y का whole cube. इसमें x हो जाएगा हमारे पास 100 और y हो जाएगा हमारे पास 1. तो आपको मालूम है कि x minus y इसका whole cube की value क्या होती है? X cube minus y cube minus 3x square y plus 3x y square. Similarly, यहाँ पर 100 minus 1 whole cube क्या होगा? एक तो 100 का क्यूब कर दीजिएगा, 1 का क्यूब कर देना, माइनस 3 इनटू 100 स्क्वायर, y मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 3 इनटू 100 और माइनस 1 का स्क्वायर भी कर देंगे तो वो भी 1 ही आएगा हमारे पास. इसको सॉल्व किया, पहले तो 100 का क्यूब करके बताइए क्या है. 100 का क्यूब कर देंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 10 लाख, राइट? 100 का क्यूब किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 10 लाख. 100 का जब क्यूब करेंगे, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 100 × 100 × 100, सो यू विल हैव 6 जीरोस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 लाख. तो 10 लाख माइनस 1, अब उसके बाद 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000. 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस का 30,000 और प्लस कर दिया 3 × 100. सॉल्व किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 300. अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो 10 लाख में से 30,000 को माइनस करो, बताइए क्या आ जाएगा? 10 लाख माइनस 30,000, ये हो जाएगा 9,70,000. उसमें से पहले 300 और ऐड कर दीजिएगा, 9,70,000 प्लस 300 किया तो 9,70,300, माइनस 1 कर दिया, माइनस 1 तो है नहीं, तो 9,70,300 माइनस 1 क्या वैल्यू आ जाएगी? 9,70,299. दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. काइंडली टेक इट डाउन, देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन. 9,70,299. नेक्स्ट पार्ट, सेकंड. क्या पूछ रहे हैं सेकंड में आपसे? 102 होल क्यूब. अब 102 होल क्यूब को लिखा जा सकता है 100 प्लस 2 होल क्यूब. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, x प्लस y का होल क्यूब. तो इसको अब इस तरह से लिखते हैं हम. This is denoting this identity x plus y का whole cube, which is x cube plus y cube plus 3x square y plus 3x y square. इसको represent कर रहा है. तो अब यहाँ पर इसको expand करते हैं हम 100 plus 2 का whole cube. तो ये क्या बनेगा? 100 cube plus 2 का cube plus 3 into 100 square y, मतलब 2 लेना है. Then 3 into 100 और y square मतलब 2 का square. अब इसको solve करते हैं तो 100 cube क्या बन जाएगा? पहले की तरह से 100 cube हो जाएगा 10 lakhs. तो 100 cube को लिख देते हैं हम सीधे ही 10 lakhs. 2 cube हो गया 8. 100 square हो गया 10,000. 10,000 को 3 से multiply किया, 10,000 into 3 क्या हो जाएगी value? 30,000. 30,000 को 2 से किया तो ये हो जाएगा 60,000.
उसके बाद 2 का स्क्वायर किया 4, 4 3 सा 12 और 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 1200। अब इन सब को सिंपलीफाई कर लेंगे आप, 10 लाख में 60,000 ऐड किया क्या बन जाएगा 10 लाख 60,000, 1200 में 8 ऐड किया 1208, अब 10 लाख 60,000 में 1208 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास 10,61,208। This is going to be the final answer of this question. So kindly take down these values and if you have any problem, then ask your problems.